बाबा शिव। ये तो शिवलिंग है, आपका 100 साल पुराना है, तो ये शिवलिंग स्थापित किया गया है। आज रानी लक्ष्मीबाई को जो कान छेदन है वो इसी मंदिर में ही किया गया था। हेलो सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त विशाल आपका स्वागत करता हूं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आए हैं आपके बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह वानखंडेश्वर टेंपल, जो कि स्थित है आपके मंदना रोड पे, जो कि कानपुर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। और सेकेंडली अगर बात करें इस टेम्पल की, तो टेम्पल बहुत ज़्यादा जाना माना है। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, यहाँ पे दर्शन करेंगे, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो इस बने रहना इस वीडियो पर, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और बाकी आप चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी यहाँ पर आके अपना भगवान के दर्शन कर सके। सो गाइस, अगर आप स्कूटी से या बाइक से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इस जगह पे अपनी पार्किंग जो है लगा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस, अगर आप अंदर आते हैं और अगर शौचालय यूज़ करना है तो यहाँ पे शौचालय भी है, जो कि आप मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे हो, महिला और पुरुष दोनों के लिए बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर के नज़ारे भी। यहाँ से हमने भी एंट्री ली थी और ये है पार्किंग, और अभी हम जा रहे हैं इस गेट से अंदर, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे टाइमिंग पूरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे बता दूँ आपको, सुबह ये 5 बजे खुल जाता है मंदिर, और इसकी जो पहली जो आरती होती है वो होती है सुबह 6 बजे के लिए, और उसके बाद ये 1 बजे तक खुलता है दोपहर को, उसके बाद फिर ये 3 बजे खुलता है, देन आपके रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है पूरा टेम्पल। और यहाँ पर 2 आरती होती है, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप सावन के सोमवार में अगर आप आते हो इस मंदिर में, वानखंडेश्वर मंदिर में, तो आप जो भी मनोकामना लेकर आ रहे हो तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सो गाइस, अगर इस टेंपल की बात करूँ तो ये टेंपल जो है आपका 1830 की सदी में ये बना था, पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो इसकी मान्यता तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सो इस टेंपल में आपको 2 शिवलिंग मिलेंगे, जिसमें एक शिवलिंग जो है आपका 200 साल पुराना है। सो गाइस, ये जो आप मेरे सामने जो आप सारे घर देख रहे हो, ये जो घर आप यहाँ से सामने वहाँ तक देख रहे हो, ये जो है आपके ओल्ड एज लोगों के लिए बनाए गए हैं। ये जिन्होंने बनाया है वो चिमनिया आनंद जी ने बनवाया है ओल्ड एज लोग के लिए। चलिए अब करते हैं बाबा के दर्शन और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए बाबा का नाम लेते हैं, हर हर महादेव। यहाँ टेंपल आ रहे हो तो आप ये देखो, यहाँ पे जो आपका जो मेन जो बना हुआ है वानखंडेश्वर टेंपल के, यहाँ लिखा हुआ है, आपको यहीं पे ही अपने जूते चप्पल यहीं पे उतारने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आप यहाँ लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली कि आपने जूते चप्पल कृपया यहीं पर उतार के जाएँ। तो हम यहाँ पर जूते चप्पल उतारते हैं और चलते हैं अंदर दर्शन करने बाबा के। हमने जूते चप्पल उतार दिए और हम जा रहे सीधा अंदर। यहाँ पे एक ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी रहस्यमय कहानी भी है, जो कि मैं आपको बताऊँ, ये जो पेशवा जो है नाराव पेशवा जी, उन्होंने ही इसका स्थापना करवाई थी, तो इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको एक मैं कहानी से अवगत कराता हूँ जो यहाँ की सच्ची कहानी है। 200 साल पहले जब नाना राव पेशवा जी जब इस जंगल था, इस जंगल में पूरा घूम रहे थे, तो उस टाइम पे शाम के टाइम जब वो लोग अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे एक जगह पे, तो उनको इस जगह पे रोशनी बहुत तेज दिखाई दी। जब वो इस रोशनी के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बेलपत्र पड़े हुए हैं। जब उन्होंने बेलपत्र को हटाया तो यहाँ पे उनको एक शिवलिंग दिखा,
तो शिवलिंग को देखने के बाद उन्होंने वहां पर पूजा करी उसकी और उसकी स्थापना करवाई, और उसी के बाद से इस जंगल में जो आप उनको जो शिवलिंग मिला था वो स्वयंभू था, मतलब वो खुद से विकसित हुए थे। उसके बाद उन्होंने इसका निर्माण कराया 1830 की सदी में, और उसके बाद इस टेम्पल का नाम जो रखा गया वो रखा गया बनखंडेश्वर टेम्पल। वेट, अभी कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हुई है, पहले दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आपको रानी लक्ष्मीबाई के रिलेटेड आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, जो वो भी सच्ची घटना पे आधारित है। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो क्यों ना इस वीडियो को लाइक कर दिया जाए अपने भोलेनाथ के लिए। सो गाइस, यही जो आप देख पा रहे हो सामने जो शिवलिंग है, यही जो है 200 साल पुराना है, और ये जो है स्थापित करवाया गया था। सो यही दो शिवलिंग है जिनकी मान्यता पूरे कानपुर में बहुत ज्यादा है। सो गाइस, अभी जो है हमने अपने बाबा का दर्शन कर लिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सामने दो शिवलिंग है, ये तो शिवलिंग है आपका 200 साल पुराना है, और ये शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आप अपनी मनोकामना अगर मांगते हैं तो अवश्य आपकी पूरी होने वाली है। तो बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ पे दो प्रवेश द्वार हैं, एक आपको यहाँ मिल जाएगा और एक आपको यहाँ से मिल जाएगा, बट मैं चाहूँगा कि आप मेन द्वार से अपना पूजा करें और अपना यहाँ से आप बाहर जा सकते हो। गाइस, मैं अगर बताऊं तो मैं अभी दर्शन करके बाहर आ चुका हूं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दर्शन करके, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी अपनी फीलिंग्स जो है आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं यहां पे अभी एक और स्टोरी बाकी है जो मैं आपसे अभी अवगत कराने वाला हूं, तो उस वीडियो बने रहना। सो गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। ये जो मंदिर है, ये आपका स्वयंभू है, 200 साल पुराना है, जहाँ पे जब ये 1830 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, तो उस निर्माण करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को जो कान छेदन है वो इसी मंदिर में ही किया गया था। और चलिए अब मैं कराता हूँ आपको एक कहानी से अवगत, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। सो गाइस, माना जाता है कि ये जो मंदिर है, पेशवाओं ने जब महाराणा पेशवा ने इनका निर्माण कराया था, इस मंदिर को पूरा बनवाया था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने जब यहाँ पे हमला करना चाहा तो उनको ये लगा कि यहाँ पे मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा खजाना जो है छुपा रखा है पेशवा लोगों ने। तो जब उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर पर अटैक करना चाहा, तो यहाँ पे उनको मधुमक्खी, सांप और बहुत सारे जानवरों से सामना करना पड़ा, जिससे जो अंग्रेज थे उनको भागना पड़ा इस जगह से। तो जिसके बाद इस टेम्पल का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, और इसी वजह से इस टेम्पल का नाम भी जो है आपका वानखेड़ेश्वर मंदिर भी कहलाता है। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको, इस वीडियो मुझे जरूर बताना एंड में। सो गाइज, आई होप ये दोनों स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा रोमांचक लगी होंगी, और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लगा होगा। और इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आपको एक गौशाला भी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो दर्शन करने के बाद, तो आप मेरे पीछे जो है गौशाला देख पा रहे होगे। तो चलिए देखते हैं खुली कि नहीं खुली है। इस अभी जो टाइम हो रहा है वो आपका 4:03 हो रहा है, और 3 बजे मंदिर खुलता है। बट प्रेजेंट टाइम पे जो गौशाला आप जो मेरे सामने देख पा रहे हो वो प्रेजेंट टाइम पे बंद है अभी। मे बी इसकी टाइमिंग जो है शाम को 5 बजे 6 बजे होगी, जब शायद चारा डाला जाता होगा गायों को, तो उस टाइम ही खुलता होगा गेट ये वाला। तो हमने भी पता किया तो यहाँ पे भी गेट बंद है, शायद 5 या 6 बजे ही ओपन होता है ये गौशाला। गाइस, अभी हम आ चुके हैं बाहर इस मेन गेट के, और अभी हम यहाँ पे ब्लॉग को करने वाले एंड, और टाइम भी हो चुका है 4:30।
और आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफी पसंद आई होगी वीडियो। और अगर पसंद आई हो जरी सी भी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं मेरे को नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सायोनारा।